Behind the
बिकुल कहें प्रथम शिष्य सोती अगहन शुक्ला पंचमी जन्म मंत्र हुई। आचार्य प्रवर श्री स्वामी हरदास जी महाराज के प्रधान सर्वोपर सबसे बड़े शिष्य श्री स्वामी विट्ठल कुलदेव जी महाराज बिहार पंचमी के दिन अगहन शुक्ला पंचमी के दिन आपका प्राकट हुआ था यानी आपका जन्म हुआ था और उसी दिन महाराज ने दीक्षा भी ली। इधर इन आठों महंतों ने शरणागति स्वीकार करी स्वामी जी महाराज के शिष्य बने। ये दिन भी बिहार पंचमी का ही था। गुरुवर जी महाराज की समय पाल बाई दिन आयो इन आठन को मंत्र सुनायो उन शुभ नाम करण तीनों तथा जो बिताई और सबके अलग अलग नामकरण भी किए गए। स्वामी जी महाराज ने सबके नामकरण दृढ़ता के हिसाब से नामकरण अलग होते हैं तो नामकरण किए दास दयाल मनोहर दासा मधुकर दास मधुर विश्वासा दयाल दास जी मनोहर दास जी मधुकर दास जी गोविंद दास महाबलभागी केशव दास त्याग दैरागी गोविंद दास जी केशव दास जी श्री अनन्योत्कट व्रतधारी मोहन दास महा अधिकारी
श्री अनन्य दास जी जो उत्कट वैरागी थे, अनन्य व्रत को धारण किए, मोहन दास महा अधिकारी श्री मोहन दास जी मात्र भी कोई सरकारी विकार नहीं था। श्री बलदाऊ दास उपासू, श्री हरिदास चरण विश्वासी, श्री बलदाऊ दास जी एकमात्र अनंत वास्तु स्वामी के चरण उपासू थे। अष्ट महंत भरे अनुरागी, अत वैरागी भक्त बल, या प्रकार से आठ महंत परम वैरागी, परम इष्ट, परम अनुरागी और स्वामी जी के चरण पर जयवान प्रसिद्ध प्रतापी, इनद्रक्षता विधुवत पापी, परचयवान के अनुभवशील थे, एकमात्र दृक्ष के संसार से करवो खंडित भूदरी, वै को दीन सुसंग, बंधन कर्म सवे सजे विघ्न से बंद, करुआ जी धारण करते थे आठों के आठों, करुआ जी की भी थी और करुआ जी भी कहते खंड। ज्ञानेंद्र जी महाराज के प्रसंग में आता है भूत परवरो हाथ, करुआ जी भी ज्ञानेंद्र जी महाराज धारण कर सकते फूलते हुए करुआ, कहीं एकांत में लता के नीचे सहज ज्ञानी ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, नेत्र बंद है, बेकारी अनुसंधान नहीं है, अगर चमकीला अच्छा करुआ जी होगा पास में तो करुआ जी को कोई भी ले जाए, आदिवासी जनन को ऐसी सुहाव हुए सहज ग्वारिया पने को, सहज कोई ग्वारिया आवे और जो है बापू अच्छों से समझ की उठाए के चल दे, तो संत प्रसिद्ध जनों की रहनी बड़ी जो है विचित्र प्रकार की होती है, जिसमें तनक मात्र भी संसार की कोई वस्तु, जिसमें तनक मात्र भी आसक्ति न हो, टूट कर भरो करुओ लागे जगत को हरुओ लागे मोर, बिहारीदास हरिदास जस कर गए गम, तो संसार को तो ये कड़वा लगता है, इसकी रहनी कड़वी लगती है, क्योंकि ये मुक्त सिद्ध उपासकन की रीति है। हरुओ लागे मोर, लेकिन मीठो लागे मोर, लेकिन मेरे को अति मीठा लगता है, बिहारीदास हरिदास बल कर गए गांव को, संसार करुए जी की रहनी धारण करने वालों को संसार हल्का लगता है, संसार वजनदार ही नहीं लगता है, संसार का कोई भी विकार रसिक मानुभावों के पास झांकता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी रहनी महाराज, ऐसी रहनी जिनके पास करुआ जी भी टूटे हैं, जो अनासक्त हैं संसार की किसी भी वस्तु से अनासक्त हैं, उनका माया बिगाड़ ही आसक्ति का नाम ही तो माया है, संसार की कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, बुरी आसक्ति है, लेकिन रसिक मानुभाव अनासक्त तो फिर ही बराबर, लेकिन प्रकट में भी संसार की किसी भी वस्तु को जो है विलास रूप में भोग रूप में स्वीकार नहीं करते भी मानुभाव, इसमें श्री ज्ञानेंद्र जी महाराज के रहने का तो कहना ही है। तो करुओ खंडित भूदरी, वै को दीन सुसन, तो करुआ जी भी टूटे टूटे हैं महाराज के पास, थोड़ा सा टूट रहा है करुआ जी किनारे से, सभी मानुभावों के पास आठों के विषय वर्णन हो रहा है, वह को तीन स्वच्छ करुआ जी है, गुदरी है और दो लंगूटी, एक को बदलने से बस इतना उनके पास संग्रह है, बंधन कर्म सवे तजे, जो बंधन कर्म है और बंधन करने वाले जो भी संसार की व्यवस्था है, जो सब कुल दिया विधि निषेध दुख बंध, जो बंधन कर्म है विधि निषेध है,
जो सुख को देने वाले हैं, जो द्वंद को देने वाले हैं, उन सबको छोड़ दिया। ये सन्न का रंग जब आशीष देव जी महाराज, देवदत्त जी महाराज, उनका संग प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, फिर अपार कृपा महाराज स्वामी जी महाराज जी प्राप्त हुई। तो महाराज पहले कितने लीन थे, कितने देवदत्त जी से बहस करी, कितना विवाद हुआ, वो आप लोगों को जो उसका बृहद रूप है वो बताया, मैंने छोटे ही रूप में बताया आप लोगों को, कितना विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद में सब उनकी समझ में आई कि हरि भक्ति, हरि प्रेम और यही सर्वोपरि हैं। और जो है नाना प्रकार के जो है कर्म कांड में रत रहना, क्षुद्र देवों की उपासना करना और जाति को अपने मन में रखना, ये तो बार बार संसार में जन्म होने की क्रिया है, हरि प्राप्त होने की क्रिया है। कसदा भक्त रहत चित लागी, ईहू पद पंकज अनुरागी। स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अखंड विश्वास, अनुराग और कसदा भक्ति में है जो है लगे हैं। इसन करनी तन न छुआई, अतन असुदिन अंग लगाई। आठों ने कोई भी शिष्य नहीं किया, शिष्य न कर निज तन न छुलाए। एक आगे प्रसंग आया, एक दयाल दास जी ने आगे दयाल दास जी ने किसी कारणवश स्वामी जी की आज्ञा से कोई शिष्य किए थे, तो उनके बारे में आगे प्रसंग आएगा। बाकी किसी ने शिष्य नहीं बनाया, केवल तृप्त चल बिल्कुल देव जी महाराज ने दो शिष्य किए थे और बाकी कथने पर कोई शिष्य भी नहीं बनाया था। बोलो व्यास जी शिष्य न कर निज तन न छुआए, और अपने तन को किसी से स्पर्श ही नहीं कराया, ऐसा ब्रह्मा असन अशुद्धन अंग लगाए। जो अशुद्ध तो असन है, नाना प्रकार के स्वाद है संसार के, उनको कनक मात्र भी स्पर्श नहीं किया। कनक कामनी मलवत त्यागी, वर्णा क्रम नहीं पागी। कनक कामनी जो है विष्टावत छोड़ दिया, वर्णा समृति मत नहीं पागी, और गणना समय कनक मात्र भी मति नहीं कमी हुई है। चतुर्वर्ग के फल न लुभाए, नित्य विहार तार सुधाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार जो फल होते हैं उनमें कनक मात्र भी मन नहीं। एक मात्र नित्य विहार की उपासना, नित्य विहार सार हृदय में समझ के उन्हें नीति गुण गाने हैं। द्वितीय दयाल दास की रीति, मुझसे सुन करो प्रती। गुरुदेव बोले अपने शिष्य, ये जो है आंखों की वार्ता कृष्ण महाराज की सूक्ष्म रूप में तुमने सुनी। दयाल दास दो हैं, एक दयाल दास जी महाराज थे इन आंखों के बीच में, एक इनको अलग, तो वो जो दूसरे दयाल दास जी हैं आप उनकी कथा आप संग प्रेम से श्रवण करो। द्वितीय दयाल दास की रीति, मुखते सुन करो प्रती। तो कैसे कहां से आए, कैसी रहनी थी, पहले कौन थे, जैसे आज का प्रसंग सुना, कहां से आए, कैसे कैसे और कैसे शरण हुए, उसी प्रकार अभाव विजन भाव और निष्ठा के साथ में श्री गुरुदेव कृपा करते कह रहे हैं, या श्रवण करो। भजबे को जो ही भले कह हरि के हरिदास, हरि के दासों के चरणों में मन लगे, उनकी कथा सुनने में मन लगे, अथवा हरि के चरणों में हरि का स्मरण हो, दोनों बात एक है।
सभी आचार्यों की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, इसका लक्ष्य एकमात्र ये है कि हमारा भाव पूर्ण रूपेण क्रम से स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य हो जाए। वो स्वामी जी महाराज ये सब व्यवस्था इसलिए है। द्वितीय दयाल दास की रीति मुख से सुन करो प्रती सिद्धे यहाँ आई सो सौ विधिवत मनताई। क्या प्रकार से यहाँ के शिष्य हुए, ते शिष्य मैं सब प्रकार और जो है विधिवत वर्णन करता हूँ। यहाँ निर्देश बता करके मुझे पता हुआ देख पंजाब ग्राम जसरो तो कहाँ एक विप्र बसत घर को। पंजाब देश में एक जसरो तो गांव है, वहां एक ब्राह्मण देश और अति गरीब थे, वहां निवास करते थे। दयाराम ताको निज नाम जाति सारस पुलाड़ो गांव, उनका नाम था दयाराम। और सारस्वत जाति सारस्वत ब्राह्मण थे। लाड़ो बामा उनकी पत्नी का नाम था लाड़ो। शील सहित संतोष सुन सो सुलक्षिणी नार सोनी प्रतिपति की सुखित मिल हरि गुण को धार। जो पत्नी थी दयाराम जी की शीलवान थी, संतोष नहीं थी, संतोष था हृदय में, शुभ लक्षण थे, सुलक्षणी नार सोई गति पति की सुखित मिल हरि गुण को धार। और पति के चरणों में भाव था और हरि के चरणों में भाव था। बोलो जी महाराज की। नमन नेम संयम व्रत धारी देश में व्रत सबकों सुखकारी। नम्र स्वभाव और संयम से रहने वाले और व्रत को धारण की हुई देख न दुख सबकों सुखकारी। मन वाणी और शरीर से किसी को भी दुख देना नहीं चाहिए। मन से भी किसी को नहीं सुखाना चाहिए, वाणी से भी नहीं, शरीर से तो बहुत दूर की बात है। मन और वाणी से किसी को दुख देने की सोचना ही नहीं, बोलना ही नहीं, ऐसा स्वभाव था। क्रोधन काम लोभ नहीं मोहा, काम क्रोध लोभ मोह उनके पास नहीं थे। चर अचरंते प्रीतन दोहा, और सभी ठाकुर के चर अचर संपत्ति है जो भी, न प्रीतन दोहा किसी से द्रोह भी नहीं है और किसी में आसक्ति भी नहीं है, ऐसा स्वभाव था। निज कार्य तज पर उपकारा, बुद्ध साधुनुकों दिन सुसारा। निज कारज तक पर अपने कार्य को छोड़ देते थे दोनों के दोनों। बुद्ध साधुनुकों दिन सुसारा औरों के कार्य व परोपकार में मग्न हो जाते थे। अपने कार्य की चिंता में परोपकार की भावना रहती थी। हमारे लिए रोटी नहीं हो कोई बात नहीं, कोई आ जाए उसके लिए दे दो महाराज, ऐसी भावना थी। पंचायन में ध्वज साधु को विनत उतारा, साधु ब्राह्मणों में बहुत भाव था, सेवा भाव था। पंचायन मिल प्रभु कह सेवे, यथा योग्य सब कह अन्न देवे। पंचदेवों की पूजा करते थे, यथा योग्य सबको अन्न देवे, और जैसी सामर्थ्य बनती सबको अन्न की सेवा करते थे। ब्रह्म कर्म में प्रगट प्रवीणा और धर्म धर्म में भी प्रवीण थे। तेज तपो बल तन तन हीना, और तेज तप बल उनके पास विशेष था। पंडित परम चतुर चित चैना, सबसे बदत सत्य मृदु वैना। परम पंडित थे, चतुर थे, हृदय में चैन था।
और सबसे सत्य बोलते थे, कभी असत्य पर भाषण करते थे, सबके लिए भला दिया है। साधु और संत विप्रमों में और संतों में बहुत बड़ा भाव था, निष्ठा था। तावाम सतगुण धाम अति निष्काम एक वाणी कही, सुन पत्न गति हरि रति बिना नित जात कुछ फर्क न सही। अपने पति जी से एक दिन लाड़ो ने यानी पत्नी ने और कुछ वार्ता कही कि हे महाराज मेरी आज बात सुन लो कुछ, क्योंकि बामा और पति यानी पति पत्नी दोनों ही निष्कामी थे, लेकिन पत्नी के मन में ये विचार आया कि हमारे लिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको अभ्यास पड़ा है संतों की ब्राह्मणों की गरीब जनों की सेवा हो हमारी द्वारा, अब धन हमारे पास है नहीं, कुछ धन का उपाय क्या है। ऐसी चिंता पत्नी के हृदय में अपने लिए सुखों के लिए नहीं परोपकार के लिए, ऐसी भावना पत्नी के मन में आई। धनहीन अनुदिन दीन मन इन दीन ध्वज सेवन करें, हे महाराज अब हम धनहीन हमारे पास क्यों समाप्त हो गया है, अब हम दीनों की संतों की ब्राह्मणों की सेवा करें तो करें कहते हैं। शुभ साधु परम अगाध मत आराध कर मन हरे हरे, साधुओं की सेवा करके मित्रों की गरीबों की सेवा करके तो प्रभु की सेवा अपने आप ही हो जाती है, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो अब हम प्रभु को प्रसन्न कैसे करें ये लक्ष्य। स्वार्थ तनक न पाइए परमारथ हुई, परमारथ स्वार्थ सदैव कीने द्रव्य उपाय, हमारे अंदर स्वार्थ तो है ही ना, लेकिन परमार्थ हो जाए, अगर धन हमारे पास ना है तो हमारा हम परमार्थ भी नहीं कर सकते, ऐसी भावना सबकी अलग अलग भावना होती है। तुम जा को धन जाने लगे, बहुत महापुरुषों ने इसे संसार के पदार्थों के द्वारा ही हम प्राप्त कर ली, एक लक्ष्य था कि धन को ही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके, तन को ही समर्पित करके, और ठाकुर प्रसन्न हो गए। हमको ठाकुर को प्रसन्न कैसे करना है, सबकी रीति अलग अलग है, तो उनका लक्ष्य था कि हमारे पास धन होना जरूरी है, तो हम संत ब्राह्मणों को गरीबों को प्रसन्न करेंगे तो हमारे ठाकुर इनके हृदय में बैठे हुए अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो धन का उपाय करना चाहिए, धन कैसे आए, ऐसी विचार। बोलो बिहारी जी महाराज, ये ही संग्रह परिहर है, संग्रह करे भ्रम, ये गौण ज्ञानी है आज्ञाते श्री स्वामी भगवत सुखी महाराज कहते हैं, अगर व्रत होते आपत्ति में संग्रह करते हैं तो ये अच्छी रास्ता नहीं है, महाराज कहते हैं उनको नरक में जाना पड़ेगा, नहीं तो मन रह जाएगा धन में, हरि प्राप्ति की क्या चलती है पता नहीं, मनुष्य जन्म भी मिलेगा तो बहुत। और देही संग्रह अगर गृहस्थी होके संग्रह नहीं करते और संत सेवा और गरीबों की सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, नाना प्रकार की जो भी यथा सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य चाहे एक रुपये की सामर्थ्य हो और जहां भी मन मानता हो सेवा करने के लिए और सोच के समझ के सेवा अवश्य करनी चाहिए, जाके जितनी सामर्थ्य हो, इस भाव में नहीं रहे तो बहुत सेवा करें, बहुत नहीं जितनी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के हिसाब से सेवा भाव अवश्य ही, ये ही दास अंतन करे बैरागी अनुराग, धारा को दो ही नहीं ग्रही है बैराग, वचन का सिद्धांत नहीं है भाई, दो धारा से सुनिए गेही और बैराग, वृक्षता में अनुराग में रहे और व्यस्त में सेवा भाव में, दोनों को ही प्राप्ति है।
अपृक्तता में अनुराग विशेष और ग्रस्त में सेवा भाव विशेष, जैसे दोनों को अनुराग और दोनों को सेवा में मानना चाहिए, लेकिन विशेष क्या है ये महाराज ने बताया। योगी हरि जी महाराज तो सुनिए, स्वार्थ तनक न पाई परमार्थ हो जाए, परमार्थ स्वार्थ सजे सुने द्रव्य उपाय। परमार्थ स्वार्थ सजे सुने द्रव्य उपाय, सुनिए बाण बचन सुख सारा, दया राम मन करो विचारा। सुलक्षणी पत्नी के वचन सुन के दया राम जी बोले, मानस तम ध्वज कुल में धरिए, फिर कह हीन वर्ण घर करिए। हे लाड़ो, लाड़ो नाम था ना पत्नी का, बोले हे लाड़ो, हमारा जो जन्म है सबसे ऊंचे वर्ण है, ध्वज कुल में है, और हम जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद और हरि का विश्वास हमारे हृदय में है, और फिर जो है हम जो है सबके घर जाके और हीन वर्ण घर फिरिए, फिर कह हीन वर्ण घर फिरिए, और हम धन के लिए याचना करें मधमाती लोगों के पास, तीन वर्णों में कहीं भी जाके धन की याचना के लिए घूमे फिरे, ये हमारी सुविधा नहीं है। देव दैत्य ध्वज के बल नाचे, प्रणतम साध से जाचे। देव दैत्य ब्राह्मण यानी देव और दैत्य सबके सब ब्राह्मण के बल पर नाचते हैं, ब्राह्मणों की बहुत बड़ी निष्ठा है ब्राह्मणों के प्रति। प्रणतम साध से जाचे, विप्र लोग कहूँ याचना नहीं करते हैं, शुद्ध रहनी ऐसी होती है क्योंकि विप्र पर देने वाले होते हैं। लिया में जावंते माला से वो प्रसन्न है अब भाला। तो यहाँ जो मधमाते हैं धन के मद में शिव हैं, जो संतों की भक्तों की ब्राह्मणों की कदर नहीं करते हैं, वो धनमंद लोगों के पास तो ही लाड़ों में जाऊंगा उनके पास जाते हैं। हाँ ऐसी बात है तो श्री जामवंत जी साक्षात भगवान शंकर के ही रूप है, मैं जामवंत जी से अथवा भगवान शंकर से ही याचना करूंगा, वो ही कोई व्यवस्था करेंगे, मैं संसार में किसी से नहीं मांगूंगा। ऐसा निर्णय श्री दयाराम जी ने किया। यह विचार नारी समझाई, अब हम धन की लगे उपाय। ऐसा विचार करके नारी को समझा दिया, अब हम धन का उपाय करते हैं। आयुष्मान विप्र उठायो, जम्बूराज कहां से आयो, जहां जाऊं जी की गुफा थी और वहां जो है चले आए श्री दयाराम जी। जाऊं मन की गुफा निहारी, तहां बैठे वृद्ध बुद्ध विचारी, जाऊं मन जी की गुफा के पास बैठ गए और विचार किया बुद्धि क्या करना चाहिए। आ तो गई सासु गुफा मन कियो प्रवेशा, लहोन अंत भालू को देखा। तो विचार करके कि भाई जामवंत जी की गुफा है, जामवंत जी भी हरिभक्त थे और हम भी हरिभक्त हैं, अगर वो अपने जो है तामसी स्वभाव के कारण पशु वृत्ति के कारण हमको भक्षण भी कर जाएंगे तो भी हमको कोई कम नहीं है, और अगर हमारा अपना स्वरूप समझ के यथास्वरूप में होंगे तो हमारा आनंद ही आनंद सजा भी मिल जाएंगे हमको। ताश गुफा मज पियो प्रवेशा, लहोन अंत भाल को देशा। उस गुफा के मध्य में हमने प्रवेश किया, लेकिन बहुत अंदर गए। कट वक्र पाहुन उड़द, लेकिन वहां जामवंत जी दर्शन ही नहीं हुए,
और क्या मिला रास्ते में, विकट वक्र, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वाहन बहुत पथरीला है, पत्थर है, उड़ग बड़ी बड़ी सर्प है, निपट अटपटी भेल, बहुत अटपटी भेल है, मिलियन अन दिन तीन लोग मुखट चरण अति सहज, तीन दिन तक अन्न भी नहीं, चली रहे ऊर थोड़े ही ना है गुफा में, चलते ही चले जा रहे हैं, नाना प्रकार के कांट में पथरीला रास्ता है, बहुत विशाल विशाल सर्प है, सभी जो है इन परेशानियों को पार करते भाई एक जो है जामवन जी के दर्शन से आतुर आगे चले ही जा रहे हैं। हार मान अनशन व्रत लीनो, लेकिन जामवन के दर्शन नहीं हुए, आखिर दयाराम जी ने हार मान तो मुझे जामवन जी के दर्शन नहीं हुए, मैं पार कर नहीं हूं, तो अब तो मेरा मरना ही कुछ, इसलिए उनकी गुफा के पास आगे बाहर आ गए और यहां दृढ़ व्रत दृढ़ अनशन ले लिया, जब तीन दिन से तो खाए नहीं और भी अब नहीं खाना पीना, न जल पीना है और न अन्न कुछ खाना है, तो हार मान अनशन व्रत लीनो, दृढ़ मन करता आसन पीनो, दृढ़ मन करके वह आसन जमा लिया, अष्ट दिवस दुख भेद की थी, जानी हाल दुख की नहीं थी, आठ दिन व्यतीत हो गए जाम मंत्री में और विकृति करनी देख रही, भाई अपने आसन का दृढ़ है, न इसको मरने की चिंता है न जीने की चिंता है, तो जानी हाल दुख की नहीं थी, वीर सिंह को बप बने आयो, मेरठ विप्र मन मायो, जाम मंत्री ने सिंह का रूप तो रीच का रूप था उनका, लेकिन अब रीच के रूप से ना के सिंह के रूप से आए, तो रीच सिंह को बप बन आयो, निरख पुत्र मन मायो, तो ब्राह्मण को डराया लेकिन विप्र ने निडर, उनको ये भी गम नहीं कि मुझे मरना है, पहले ही निर्णय कर लिया था, हाल रूप फिर दर्शन दीनो, तो विप्रदेव की ऐसी दृढ़ता मिलती है, हाल स्वरूप श्री शंकर जी या यामवंत जी ने दर्शन दिया, हाल रूप फिर दर्शन दीनो, सिर धरे हाथ अटल बल दीनो, और अपना हाथ उनके सिर पे रखा और अटल बल पीने एकदम शक्ति शरीर में, आठ दिन के दूध क्या जो है कृष्ण हो गए, वो कृष्णा सब जो है बलका में कन्वर्ट हो गए, परम ब्रूह मुक्ति बदिवानी, तेरी दृढ़ता मोमन मानी, विप्रदेव मैं तेरी दृढ़ता से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले, विप्रवदत मांगो कहे स्वामी, जान लू तुम कल्याण महाराज, आप अपने आप ही जान लो मैं आपसे कहा मांगू, स्वार्थ परमार्थ बने आवे, सो उपाय मेरे मन भावे, महाराज स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही रास्ता मेरे मन में है, ऐसा उपाय सोच लो, बने विप्र संतन की सेवा, जैसे करो तथा मह देवा, ब्राह्मणों की संतों की गरीब जनों की मेरी तो सेवा बन पावे, ईशराज करके कृपा पारस्ता तुम दीन, ईशराज जी ने जामवन जी ने कृपा करके और जो है दयाराम जी के लिए पारस दे दी, ले जामवन दयाराम ले प्रदेश ये पारस है, बुज सिर नमता हाथ के स्वस्थ प्रसन्न बद, ब्राह्मण देव ने
प्रणाम करते हुए उस पारस को स्वीकार किया और मन में अत्यंत नम्रता दीनता धारण कर। फिर एक रीच कहत भयो बाता द्रव्य को जीवो ये धाता। फिर दोबारा जामुन जी बोले, अरे ब्राह्मण देव, शोक मुझे द्रव्य दिया है जो पारस, इसको गुप्त रखना है, प्रचार नहीं करना है। राख गुप्त चिन्ह कर विख्याता रहियो धीर भुजन को दाता। इसको गुप्त रखना है और दीन और भुजन को प्रेम से भाव से सेवा करियो गरीबों की ब्राह्मणों की। द्वादश वर्ष रहे तो पाता तदंतर ये हो उदाता। और तेरे पास ये बारह वर्ष तक रहेगी पारस, तो इसके बाद में तेरे से अपने आप ही चली जावेगी। स्वार्थ परमार्थ बन आवे भक्ति सहित जो संत लड़ावे। तो ब्राह्मण देव, स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही तेरे बन जाएंगे अगर भक्ति के साथ संतों को लाड़ लड़ाएगा तो तू सारी बात बन जाएंगी। अब तू समझेगा क्या उपयोग करना है इनको। निष्ठ बोल कीनों सन्माना ऐसा श्री ब्राह्मण जी ने आदेश दिया और श्री दयाराम जी ने दंडवत प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया अपने गृह के लिए। हर सतध्वज अपने घर आयो निरख गाम अत से सुख पायो। ब्राह्मण देव हसुख प्रसन्न सुख अपने घर पे आए। पत्नी ने जो है ब्राह्मण देव को प्रसन्न मुद्रा में लेकर तो उनको भी बहुत सुख भयो। विधवत कही नार के गाथा पत्नी वे प्रसन्न मन माथा। और पत्नी ने दंडवत प्रणाम करी अपने पति देव के लिए और विधवत कही नार के गाथा। सारी गाथा कैसे कैसे लोगों पारस प्राप्त हुई वो सारी गाथा पत्नी के लिए बताई। विप्रदीन साधु की पूजा कर प्रेम दूजा। अब दोनों के लिए दोनों निष्कामी दंपति संतों की और ब्राह्मणों की गरीबों की प्रेम से सेवा पूजा सेवा किया कर। गुप्त दान विधवत किए से गुप्त दान विधवत किए किसी को मालूम नहीं से ध्वज जन संघ जन और संत जन सबका सेवन सहवासी चक्रत थे जिनमें ये पास न रहते थे उनके वो सबके सब जो आश्चर्य चक्र कि भाई इनके पास तो बहुत बड़ी गरीबी आ गई थी, इनके पास तो कोई बचा ही नहीं था, अभी हो क्या रहा। इतना जो है दान पुण्य कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं साधु संतों के प्रति, इनके पास घर कहां से आ रहा। ऐसे रहे तो वर्ष दस बीते सुखप्रत घर न तो सभी बीते। ऐसे करते करते दस साल भी और धर्मी ने यानी पत्नी ने पति ने जितना भी सुखप्रत बनना था भाव से प्रेम से निष्काम जाते वो सुखप्रत किया वो सेवा करी। परम धर्म की वज नारी बात विचारी। परम धर्म की ध्वजा लाड़ू पंडितानी जी ने अपनी पति के साथ हे पंडित जी मेरी प्रार्थना ने तिन निज पति से बात विचारी। सुनो ना तुम मेरी एक बानी पारस अवधि रहो तो यानी मेरी उपास आपको मालूम है बारह वर्ष के लिए पारस आई है आपने मुझे बताया था। अब दस साल हो चुकी है खूब जो है शंकर प्राणियों की गरीब जनों की खूब सेवा करी है ठाकुर प्रसन्न है। लेकिन अब ये दो साल बाद अपने आप ही हमारे पास से चली जाएगी स्वयं ही। दस तो वर्ष प्रतीत हो ही रहे से संवत्सर दो संवत्सर जन दो वर्ष एक रहे।
कल पारस तुम फोक लिया, ये बातें पहले से ये महाराज अपने आप ही चली जाएगी। इससे तो पहले किसी सुयोग व्यक्ति हम अपने हाथ से ही देख करना तो अच्छा है, उसको दो साल पहले ये कितनी बढ़िया बात करेगी। जो ये तजेर है कनस्य की तुम त्याग हो तब परम देवी, जो अपने आप ही छोड़ के ये पारस चली जाएगी तो तुम्हारी क्या प्रसन्नता क्या बढ़ाई है, और अपने हाथ से भेंट करोगे जब तुम्हारी संता संता में बहुत बड़ी रहेगी और ठाकुर भी प्रसन्न रहेंगे। दया राम ऐसी सुनबानी अपने मन में उसकी दिलानी, जो तुम प्रथम त्याग नहीं करी हो ध्वजवत लोग छत्र छोड़ ब्राह्मण हे पति देव, अगर तुम इसका त्याग पहले ही नहीं करोगे निष्कामता का भाव लेते हृदय में, तो जिस ब्राह्मण के ऊपर लोभ का छत्र आ गया था अति कामनाग्रस्त होने के कारण वही गति तुम्हारी हो जाएगी। छत्र लोभ का छत्र कैसा, लाड़ो से बोले कि मैं तुमको एक कथा सुनाती हूँ तो लोभ का छत्र कैसा, एक ब्राह्मण ने बहुत विशेष लोभ किया तो उसके हाथ में लोभ का छत्र आ गया, वो हमेशा परेशान ही रहता। वो सब वार्ता दया राम ऐसी सुनी बानी अपने मन में उठी गिलानी, दया राम के मन में गिलानी आई कि मैं लोभी, मुझे लोभी की उपमा दी है, कहीं तुम लोभी मत हो जाना ब्राह्मण की तरह, तो ऐसी गिलानी सी आई कि मुझे लोभी नहीं होना है, मुझे निष्कामी भक्त होना है, कहना अनुष्कामी का। और कहने लगे जैसे देवी पंचाली जी मुझे बताओ तो सही, लोग छत्र की कथा कौन सी है, किस प्रकार है। बदत बचन निज नार से हित कर परम प्रवीण, ऐसो विप्र कहावतो लोग छत्र सुर लीन, बदत बाम सुनियो मम नाथा जता जूल गर्म सब गाथा। ऐसा ब्राह्मण होके ब्राह्मण कुल में जन्म लेके और फिर लोग हृदय में ऐसा कौन था इतना विशेष लोग, मुझे बदत बाम सुनियो मम नाथा जता जो भी बर्मो सब जाता। हे नाथ पति ब्राह्मण देव, मैं यथा योग जैसी मेरे अंदर योग्यता है आपको वो कथा सुनाऊंगी। पंचानी जी की पंडित जी को कथा सुना रही है। वे प्रचार काशी मधिभाषा जिनके निषिन द्रव्य उपासा, काशी नगरी में चार ब्राह्मण रहते थे, जिनके निस्दिन द्रव्य पास केवल उन चारों के मन में धन की ही लालसा रहती और कोई लालसा नहीं। नाम क्या थे, गौतम नाम एक बलदेवा, नाम बड़े सुंदर थे उनके, एक का नाम था गौतम जी, एक का नाम बलदेव जी, एक का नाम कमल नयन जी और एक का नाम करुणानंद जी। गौतम नाम एक बल देवा कमल नयन करुणानंद सेवा, चार मित्र अति चतुर उपायी निर्दिन करण बढ़ाई। चारों मित्र बड़े चतुर, आपस में अपने आगे किसी को गिनती नहीं देंगे और हमेशा जो है धन की लालसा में जीते, धन की चर्चा कैसे चुनाव है कहाँ से आ रहे यही चर्चा। जिनके इष्ट धर्म गुरु माया धन ही मात पिता से पाया, चारों के इष्ट और गुरु और धर्म सब में धन ही था, माया ही थी, कैसी हमको माया हाथ में, धन ही मात पिता से पाया, माता पिता सुख सब धन ही में लालसा, धन ही सेवा धन ही पूजा धन बिन मित्र सब प्रसन्न दूजा, धन ही सेवा है उनकी धन ही पूजा है, और अगर किसी मित्र से धन का लाभ नहीं होता तो वो शत्रु के समान है उनके लिए, किसी से धन का लाभ हो गया तो वो मित्र है, शत्रु है।
धन हेत बोवत खेत लेत बेत छल गल को करें तजमान बिन सन्मान भय गुदान तन संसाई हर। जो भी उपाय करते हैं वो धन के लिए विकृत उपाय करते हैं, तजमान बिन सन्मान भय गुदान तन संसाई हर। कोई सम्मान करो मत करो, चाहे कैसा भी कुदान है, अनिष्ट धन है, उसको नहीं परिहार करते, उसको भी नहीं त्याग करते, हमको दे दो कैसे कैसा भी हम भी अपने आप दे। पटपार कर्म विचार लीत उधार दे उधर हरे। पटपार रास्ते के लुटेरे भी बन जाए कभी कभी, कैसे नहीं पार पड़े तो रास्ते में लूटपाट करने लगे। लीत उधार किसी से उधार ले लें तो उसको देने का नाम नहीं, उसको फिर मारने की उपाय करें, इससे ले तो लिया भी मांगेगा बार बार, इसलिए इसको मारी गई कमी कर दो। ऐसे चारों के चारों की नीति थी, नीति थी। बहु भेष धर खल कर्म भर दृढ़ मूल रसायन को, बहुत से भेष धारण करते हैं बस उनका एक ही कर्म, कैसे भी हमारे पास धन ज्यादा से ज्यादा आए और रसायन क्रिया सोना चांदी जवाहरा ऐसी कोई क्रिया हमारे हाथ में गए कि हम क्षण भर में बहुत धन बहुत सोना चांदी बना लिया करें या हमको शायद प्राप्त हो जाए, ऐसे उपाय में हमेशा घूमते रहे। देख द्रव्य गुरु को करें देख न ले तघाय, और जिस संत के पास द्रव्य देखे कि यहाँ धन है तो उसको गुरु बना ले, और अगर वो धन नहीं देते तो उसको छोड़ दें। एक जनता ही समय सुखवत द्रव्य करी जाए, अगर धन नहीं प्राप्त हो रहा है संत गुरुओं के पास से तो वहां पर आते ही नहीं है, वहां से दृष्टि फिर लेते हैं। जब जब गुरु संतन पै जामे सबकी वचन कर धन छबिला में, जो बेचारे सीधे साधे संतों के पास चले जाए संत भक्तन के पास, वहां जो तमाम प्रकार की वार्ता करके धन छबिला में उनसे धन छबिला देते। साधन पे पोषक कुल काया खर्चन कर भरत कर माया, उस धन से अपनी काया का पोषण करते थे और बाकी जमा कर देते थे। कृष्णा भरी न उन सब फेरी सब मिल मित्र कला फेरी, बहुत धन इकट्ठा है उनके पास फिर भी उनकी कृष्णा इच्छा पूरी नहीं हो रही। देव प्रसन्न करें हम ऐसे जो रावण घृणा, तो भाई ऐसा है जैसे घृणा कश्यप ने और रावण ने तपस्या करी, ऐसे ही लोग तपस्या करके और देवताओं को प्रसन्न करना है और बहुत धन प्राप्त हो जाएगा, दुनिया में हमारा यश हो जाएगा, ये रूपी केवल धन ही लक्ष्य था उनका। ताको करण लगे निर्धारा तीनों देव सफल को उतारा, अब विचार करने लगे भाई तीनों देवता सबके सार है ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनमें भी धन का ही आरोप कोई तो देखो विष्णु प्रसन्न हो तो नाम। एक बात है भाई, विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही इतनी तपस्या कर सकते हैं, वो तो कहीं तो प्रेम के प्रसन्न होंगे, तो इनकी तो हमें करनी ना। ब्रह्मा सृष्टि धरी चित मानी, और ब्रह्मा जी सृष्टि समारते समारते उनका फुर्सत ही ना है। शिव धनवान और मन भोरो, लेकिन शंकर जी धनवान बहुत हैं और भोले भाले भी हैं, वो हमारे बात में और हमारे चक्कर में वो आ जाएंगे, ऐसा हमारा मन। शिव धनवान और मन भोरो और रीजत भोरो करो निहोरो, नेक निहोरे करें तो वो रीत जाएंगे। शंकर जी भोले तो हाँ भाई बात करो ठीक है, शंकर जी की उपासना करो और वो बहुत जल्दी रीत जाए और धन दे रही बहुत रात के समय की और संपूर्ण की और धन दे रही। ताते अब ताको लग ध्यान में तो तत्काल द्रव्य बहुत काम है, इसलिए हम उन्हीं का ध्यान चिंतन करें तो हमको बहुत धन मिल जाए। चार मित्र मिल प्रण की और कर अर्पण मिल देव द्रव्य काज महादेव के तीनों परम समय, चारों मित्रों ने एक धन के रूप से अपना शरीर अर्पण कर दिया, पूरे तपस्या में लीन है। गंगा तट लक्षित अस्थाना तहान मर को आवन जाना, गंगा जी के किनारे एक जो है जहाँ भीड़ भाड़ मंदिर एक
शंकर जी का स्थान देखते कि भाई यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, आना जाना नहीं है किसी का। कलश चार ले के उसे भाई चार कलश लाए और भर भर जल सिर पर छिटकाए। भगवान शंकर से जो है श्रवण के जल चढ़ा दिए उन्हें चारों से चारों। अष्ट रैन दिन याद रखना, आठ दिन और आठ रात बराबर ही करते रहे शंकर जी को जल चढ़ाते रहे। शिव प्रसन्न है दर्शन दिया, भोलेनाथ तो अवडरदानी है प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ जी ने एक नाम है आठ तीर्थ अवडर दानी, अवडरदानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं आज तो। तो अष्ट वैनंदन या विद पीना, शिव प्रसन्न है दर्शन दीना, भगवान शंकर प्रसन्न हो। परम ब्रू ये गिरा बखानी मांग दे तुम रे हे ब्राह्मण हे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ जो तुम्हें तुम्हें मान लो जो महाराज। इसी जगह पर ये सावधानी की बात साधकों को कई इस कथा को सुन के ऐसा मत करना तुम भी जो शंकर जी के राज अमर नाम लग जाओ। इन सब कथा प्रसंगों से विवेक लेना है। इसी जगह पर अगर शंकर जी की आराधना करते ये मान लेते कि हमको ठाकुर जी की भक्ति दे दो, तो शंकर जी ऐसे सामर्थ्यवान हैं, ऐसी कृपा है गौतम का करिए कि तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी मिलते तो नहीं तुरंत, लेकिन मिलने का उपाय और ठाकुर जी की भक्ति तुम्हारे हृदय में तुरंत ही आ जाए, इनके हृदय में तुरंत ही आ जाए। लेकिन यहाँ तो मांग क्या रहे हैं, विष मांग रहे हैं, अमृत नहीं मांग रहे हैं। ये मांगना ही तो सीखना है यहाँ। संत महापुरुषों के पास बैठ के अगर प्राणी से मांगना नहीं आया तो जीवन देता है। देव दया कर दान न भूलो तीर को, भगवत बल कमाल बिलो को बिल को। श्री स्वामी भगवत कह रहे मुझे कछु नहीं चाहिए, एक बच्ची नहीं चाहिए मुझे। प्रिया प्रीतम की अखंड के बिहारी बिहारी की अखंड के अनवरत रूप से, अखंड रूप से, निर्वध रूप से श्री स्वामी जी महाराज की अंत में विहार परायण है। वो अवलोकन, वो दृष्टि प्रदान कीजिए, वो चिंतन प्रदान करिए। अवेयरनेस यही चिंतन में मगन करूँ और सचिव रहे चाहिए। वो स्वामी जी ये स्वामी जी के जनों की मांग होनी चाहिए। तुमने पूर्व प्रसंग में सुना पंच ऋषियों ने अनंत जन्म उन जन्मों की गिनती भी नहीं कर सकते, अनंत कहते ही हम जो फैसला करेंगे। अनंत जन्म तपस्या रत करें, भगवान बार बार आए वरदान देने के लिए, बहुत बार आए भगवान नारायण, जो एक बार भी नहीं आते हैं, बहुत बार आए। भगवान से भी कुछ नहीं मांगा उन्होंने कि हमको तो नित्य विहार चाहिए, नित्य वस्तु चाहिए, प्रिया प्रीतम हृदय चाहिए, प्रिया प्रीतम के स्पर्श के निर्वध तत्व चाहिए, ऐसा ही अखंड। लेकिन उनकी साधना की रीति अच्छी नहीं थी, लक्ष्य रीति अच्छी नहीं थी, रीति बताने के लिए कृपा करके श्री नारद जी महाराज भगवान कृष्ण जी महाराज आए। उन्होंने रीति धारण करी, बताया इस तरीके से तुमको नहीं मिलेगा, रीति स्वयं ही गुरु बने बैठे थे। गुरु धारण करो फिर क्रम क्रम से क्रम क्रम से ललता कैसी ललता जी कृपा करेंगी और निहार प्राप्त होगा इस तरीके। इसलिए मन में इन प्रसंगों को सुन के कहीं उल्टा समझ लें तो उनकी आराधना करनी है, उनकी आराधना करनी है। हमको आराधना सोते बैठते जगते हमको स्वामी जी महाराज का नाम जाप करना है, श्रीहरदास श्रीहरदास श्रीहरदास, ये संसारों का सार है। तो स्वामी जी ये सभी कथा प्रसंग आप लोगों को जो सुना रहे हैं, एकमात्र हमारा लक्ष्य ये है कि स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव, इस नाम में अनन्य भाव, नाम जप में जो है निष्ठा, ये तुम्हारे पास धन एकत्र हो गया और तुम सबसे बड़े गुरु हो, तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में गुरु नहीं। स्वामी तो आगे जो है तो चारों के चारों महालोभी विप्रणवाय चरण में माथा, सद्देव सिंधी सल नाथा। तो भगवान शंकर के चरणों में
8 दिन से बराबर जो है जल डाल रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं भगवान पर, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, प्रकट हो गए विप्रदेव, तुम जो चाहो मांगो। विप्रनवाय चरणे माता द्रव्य देव श्री सबके नाथा, तुम सबके नाथ हो गए भगवान शंकर, हमको तो धन दे और प्रसन्न होने ना चाहिए। रुद्र विवर एक प्रकट दिखायो, आज्ञा दई लेव मन भायो। भगवान बोले, भगवान शंकर जी बोले, देखो विप्रदेव, ये विवर है, ये गुफा है, और इस गुफा में तुम अंदर चले जाना, जो मनमानी जिसकी जो इच्छा है वो ले लेना। काम है जिसे मित्र मिल सारी, बड़े प्रसन्न करे चारों के चारों, भगवान अंतर ज्ञान है जो शंकर जी चले गए, और चारों के चारों वह योग की खातिर और गुफा में घुसे। कामे धसे मित्र मिल चारी, कहा रुपयन की रात निहारी, तो चारों बात हुए प्रवेश कर गए वहां चांदी के रुपये की रात घेर के घेर। बदत एक ली वो भर टूटा, तीनों कहते या में भर टूटा, एक बोलो भैया अपनी अपनी पोटली बांध लो और याद से बढ़ के क्या है, देखो चांदी के रुपये ले बांधने जितने चलो तुम ले चलो। तीन बोले भैया सुना है लेंगे या मतलब तो बड़ी मेहनत करी आज बना। तीन कह रूपो मिलो आगे कंचन भी, चलो बीवले में सब कर्त में बन सके, यहाँ चांदी मिली तो आगे सोनों में जाओ, ये बाप रहो ये जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो बाचारे ने संतोष करके कछु मात्रा में वो चांदी के गठरी बांध ले चांदी के रुपये और बाकी तीन आगे चले। एक कह सुन गए पति गौरव, अष्ट दिवस में ये धन गौरव, आगे जो है कंचन का ढेर मिला, सोने के रुपया सोना मिला। आओ एक भूल अभी तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो भैया सोनू ये रंगला से बड़ी जोर खाती है। तीन कहत रूपो मिलो आगे कंचन फिर, चलो बीर ले में सुख कर्क में बन खरे। एक कह सुन रही मत बोरो, अष्ट दिवस में ये धन छोड़ो, जिन जावो मन चंदर धारा, निज मेहनत को करो बेचारा, अपनी मेहनत का विचार करो, हमने बड़ी मेहनत करी है। वह बोले तू बड़ अज्ञानी, सैमन समझी ज्ञानी, सब प्रसन्न हमको मन दियो, सब कंचन कर ये लियो। कि भगवान इतने भोलेनाथ इतने उदाहरण, उन्होंने हमको कंचन की कही है कि तू चाहो ले लो, तुम वे सोने छोड़ के तू चांदी में प्रसन्न है, तू चांदी में प्रसन्न है जा, हमको आगे सोनों देंगे। तीन लेने पांच रुपया के आगे बढ़ गए। ये धन तोसी ले तभागी, हमारी मत कंचन में लारी, बलता जाओ तुम लो निहाला, हमको मिलो रूप रसा माला। ये तो सही मान वे टूटा, इन रुपये की बांधी टूटा, वो पोटरी बांध के रुपये की वो तो निकल गो देखा, और ये आगे बढ़ गए। तीनों मिल आगे व्रतधारी, और कहा कंचन की रात में आई, मत कंचन का ढेर देखा, सब बोले कंचन मिलो ले बांध नहीं थी, सबके सब बोले भाई कंचन मिल गया आपको पोटरी बांध बांध के, और चलो अब मन के भाई भाई तीनों से बच गए। भगवान शंकर ने बड़ी दया करी, कृपा करी, दान किए हमको, अब तो जो है मन भाया काम हो गया। दो कह आगे चल गई या फिर अरे द्रव्य कहां चलिए, दो बोले कभी हमारे समझना है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ हमारा संतोष न हो तो और आगे बढ़ेंगे। एक जो है कंचन की गठरी बांध से और वापस हो गए, और दो वापस हो गए। तो आगे जाए लक्ष्यो जो बारा, दो ने आगे जाते हीरा जो था रात से घेर गए, बांध लेन को कहो बिचारा, और बांध लेन का विचार हुआ। एक कहते या को लखाला, आगे चलो मित्र बहुत माला, एक बोले अरे मित्र आगे और भी विशेष धन होगा, लाए छोड़ो आगे चलो। जैसे जैसे लोग दूजी बदत की है, बहुत ये माया सर पीढ़ी पालों में काया,
इसमें बोलो नहीं भैया ये बहुत माया है, या तो संतों का हीरा दोबारा करना एक एक मूर्ति से बल्जन संपत्ति बन जाए। तो भैया मैं आगे जो है ना जा रहा हूँ, तू चले जा, ये तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है खाती रहेंगी और आनंद में रहेंगी, तू आगे जाए तो जा, मैं तो हीरा जवाहर तो ये कथा कौन लाड़ो अपने पति देव दयाराम जी को सुना रही है कि तुम जिनकी तरह लोग में मत फंसियो, लोग बहुत बुरी बला है, सावधान के जाए। तो ये सिर गांठ बांध ले आयो तू जो सत आवी तुम आयो। तो ये तो जो है सिर पर टोपी बांध के हीरा पन्ना जवारा जितना चला जो बातों की बात, और दूधो सच आगे तुम आयो, और जो सच आगे दूसरा जो आगे के लिए प्रसान किया, कहा एक पुरुष द्रगन से पीछा खाड़ो छत लिए नहीं पूछा, वहां एक पुरुष को अपनी आंखों से देखा कि एक छत्र लेके वहां खड़ा हुआ, अगल बगल हीरा पड़े पीछे पारस ढेर, आगे पीछे हीरा पड़े हुए और पीछे पारसों का ढेर है, बदत पुरुष धन ले तुम तीनों कहां अभी, और वो ये कह रहा है अरे आओ आओ मनमानी धन लो तुमने कहां वेर कर दी, आओ तो सही मेरे पास, ऐसे बोलगा यह सुनतास पुरुष की बानी पारस ले मनमानी, उस पुरुष की बात सुनी या अंतिम विप्र में, और स्वामी जी महाराज तो वह विप्र ने उनकी बात जो छत्र को लिए खड़े थे तो आओ भैया आओ हम तो तेरी बात देख रहे तू कहां रह गए, और कितने भी हीरा ले पारस ले जो कसू ले वो ले आ जा, ये सुन तास पुरुष की बानी पारस ले है मनमानी, बाको मन करो वहां तो कोई स्वागत करने वालों ना मिलो, यहाँ तो स्वागत भी है और पारक भी और हीरा भी दे जा रहे दो दो बात, ये सब पारक तो कर लीनो वह वैसी शक्त सिर जीनो, या सत में जो शिक्षा हो वो ले लो, पंडित पारक से बढ़ गए कहा चतुन सोनो चांदी पशु बनाए दी पारक से, आप जैसे पारक की न लो पारक ले गए थे वो छत्र वो छत्र बहुत भारी था, वो छत्र बाकी ऊपर सिर पे रख दियो, सो वह भार बहन सिर लाग्यो पुरुष निकट कांते उठाग्यो, तो वो भार के मारे मर गया, वो बाना जो पहला था वो निकल के भाग गया, दूसरी जगह ठाड़ो है वो बाकी हम समाज और देख रहे हो क्या रोता है चिल्लाता है क्या करता है क्या बोलता है, रोवत कहत भार सिर भारी, अब वो रोने लग जा मोर पार भार सुना चाहिए बहुत भजन के मजे जा रहे हैं, या जो है छत्र ले लेते सास पुरुष सुन गिरा ऊंचाई, वो दूसरे कह रहा हूं पुरुष तो सिर लोग छत्र बड़ नामी सिर धारो में अदम सकामी, ऐसा ही अदम में था तेरी तरह को फूल से ज्यादा, अब मुंह से वो ऐसा लग रहा है कि तू और अगमन को नहीं आ गयो, तो अब ना लेने वालों में आए अब तो तेरे हाथ में रहे हो ये सब, मुंह से अधिक अदम तू आयो जो सिर धार परम सुख पायो, मुंह से ज्यादा अधम तू यहाँ आयो और या तेरे सिर पर धर के मुंह को बड़ा सुख मिलो तू जाने के साथ, छत्रधार जन मरे न जीवे लोभी मेरक लोभ रस जीवे,
छत्र को धारण करके, छत्र को हाथ में सिर पर रख के इतना वजन है तो न तो बोझ रहे मरी रहे हो और न जी रहे हो, कभी रोता है कभी मां पारस के ढेर में देख के और हीरा के ढेर में देख के कभी पसंद भी होता है इनका बाजे भी, और कभी सब वजन देख के फिर रोता है या तरीके से उसका जीवन बन गया है। तोते यदि लोभ जन करे है ताके शीश शत्रु फूल करे है। एक बात बताऊं, तू की ज्यादा तू लोभ भी आ जाए कभी बाकी सिर पर तू रख दीजो, अब तो मैं तो लोग बनाया मैंने तो सब देख रही कर रहा उसका मतलब क्या है कि संसार में किन्हीं भी पदार्थों में हमारी आसक्ति रह जाती है तो समझो हम हमारे ऊपर लोभ का छत्र। जैसे कि हीरा और पारस आसपास पड़े हुए हैं, न तो उनको उठा सकता है उनका न उपयोग कर सकता है न कुछ कर सकता है, देखते रहो यहां से कोई रस्ते संसार की वस्तु कोई भी अपने साथ नहीं जाने वाली। आए हैं या देश नहीं कछ आस है, बहुर जाए वा देश जहां हरिदास है। मन में अखंड भाव ये निर्धारित रखना चाहिए, यहाँ हम आए हैं पृथ्वी का जन्म मिला है, स्वामी जी महाराज की शरण मिली है, वृंदावन धाम का वास मिला है, रसों का संग मिला है, ये सबसे बड़ी संपत्ति मिली है, इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी। नहीं कछु आस है संसारी सुखों की आशा हमको कनक मात करी नहीं, जैसी भी स्थिति में है हमें दुखी है सुखी है संसार तौर पर, लेकिन हर स्थिति में प्रसन्न रहते हुए बिहारी बिहारी का चिंतन वीरदास नाम याद करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वो सुख प्राप्त हो जाएगा जो सुख भगवत स्वरूपों को भी प्राप्त नहीं होता है, बिहारी देव वीरदास नाम याद किया चिंता मत करो। इसलिए हमको कहीं मन में नहीं देना है, विश्वास पूर्वक स्वामी जी के चरणों में मन रखना है। ये कितने कितने बड़े राजा महाराजा हुए उनके नामों सबके नाम नहीं, जो धर्मार्थ थे इन्होंने बहुत बड़ा धर्म किया था उनके विशेष नाम है, चाहे वो राजा थे चाहे वो रंग थे जिन्होंने धर्म किया उन्होंने भक्ति की, उनका इतिहास गाते गाते उनके जो है गुणानुवाद गाते गाते हरी को प्राप्त कर लेते, भक्तों की कथा तो ठाकुर भी अपने नीचे बता। इसलिए हमको इस संसार में कोई वस्तु अपनी नहीं माननी, ऐसा मानना है हमको सेवक, चाहे बहुत बड़ा स्नेह तुम्हारे पास अथवा नहीं है, एक सेवक रूप में अपने आप को माने, और दोनों ही स्थितियों में चाहे गरीब स्थिति है या बहुत बड़ी धनाढ्य स्थिति है, दोनों ही स्थिति हरि को मिलाने में हरि भक्ति में सहायक है, विवेक द्वारा जब हम समझेंगे दोनों ही स्थिति, क्योंकि मनुष्य जन्म का कोई भी लक्षण कोई भी चाहे जो है विपरीत स्थिति है या जो है अनुकूल है या प्रतिकूल स्थिति है, दोनों ही स्थिति हरी मिलाने में सहायक है, क्योंकि मन के जन्म में सारी व्यवस्था हरी ने उसी प्रकार कर ले जिस प्रकार में मिले हरी बड़े दयालु है। इसलिए कोई भी स्थिति सब स्थितियों में बिहारी बिहारी का स्वामी महाराज का चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे सफल आगे करो सफल बनाओ, और जो है हृदय में इष्ट के प्रति प्रेम की जागृति परोत्तर विशेष है, प्रवचन सुन के सुन के समझ समझ के हृदय को जो है बिहारी बिहारी के शब्द से सराबोर कर, एक एक दिन और एक एक क्षण हमारा जो ज्यादा है वो बाद में अगर वापस आने लगा ये समझ के एक एक कैसे नियत का मूल्य समझते हुए आगे बढ़े निकलो। जो स्वामी महाराज मंदिर भर हाँ एक विशेष बात यह है कि अभी तुमने जो प्रसंग सुना उसमें लाड़ो अपने पति देव को सुना रहे लाड़ो, और ये लोभी की कथा सुनाई कि लोभियों की ऐसी गति होती है। अच्छा
तो लोभी की बात सुनाई। अब आगे कल के प्रसंग में परोपकार की गति बताएगी कि परोपकारी जो होते हैं, जो सर्वस्व अपना संत गुरु हरि के लिए समर्पण रखते हैं, उनका यश हरि धाम में निकाला जाता है। वो कथा कल के प्रसंग में आप सुनोगे। मन मेरे भाई जय। हरि हरि की जय। हरि कुंती की जय। समस्ताचार्य।